मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित दिल्ली रोड मेरठ। प्रोफेशन को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने बैकफुट पर आते हुए माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो माफ करो ना, दिल से माफी मांगता हूं। जावेद हबीब को माफी क्यों मांगनी पड़ी, आइए पहले उस पर बात करते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में एक सेमिनार के दौरान वह बड़ौत की पूजा गुप्ता, जो वंशिका ब्यूटी पार्लर की संचालिका के बाल काटते हैं, इसे लेकर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह बालों में पानी लगाने की बजाय थूकते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद यहीं से हुआ, आइए देखते हैं पहले वह वीडियो जो विवाद की जड़ बना। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं, शैंपू नहीं है। इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, और अगर पानी की कमी है ना इसके बाद पूजा गुप्ता का दूसरा वीडियो सामने आया। इसमें वह यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि वह गली के नुक्कड़ वाले नाई से अपने बाल कटा लेंगी, लेकिन भविष्य में कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटवाएंगी। पूजा ने जावेद के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता, वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है। मैं बड़ौत की रहने वाली हूँ, और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन द स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया, और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया, मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटवाऊंगी। विवाद बढ़ा तो जावेद ने सोशल मीडिया पर आकर इसके लिए माफी मांगने में ही भलाई समझी, देखिए। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं, और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा सा ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। सच वही जो फर्स्ट बाइट दिखा है, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। और हाँ, कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, 7 माह बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चला है। ऐसे में और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, सावधान रहिए, जब तक जरूरी न हो घर से ना निकले। नमस्कार।